तो गाइस आज के वीडियो के अंदर ज्यादा टॉपिक नहीं रहेगा, सिर्फ दो टॉपिक रहेगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रहेगा। तो लास्ट एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को भुइया थीम के ऊपर जितने सारे आइटम है वो मैं आप लोगों को दिखा दिया जो OB46 के अंदर आएगा। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे ब्लू लॉक का आइटम दिखाओ, ब्लू लॉक का आइटम दिखाओ, तो आज इस वीडियो के अंदर लेके आ चुका हूं ब्लू लॉक का जितने सारे आइटम वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर रिव्यू कर दूंगा। और जो चीज नहीं दिखा पाऊंगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कैसे, चलो मैं आप लोगों को आगे जाके बताता हूं। बस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा वो तो आप लोगों को पता है। जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे जो नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो पूरा एंड तक देखना। सच में आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोग दो इमोट देख पा रहे थे, तो ये दो इमोट आप लोगों को ब्लू लॉक का होने वाला है। आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, आप लोग कमेंट करके बताओ दो इमोट में से कौन सा इमोट आप लोगों को बेस्ट लगा। मुझे सेकंड वाला जो इमोट है मतलब गोल करने वाला वो बहुत ही यूनिक है। और डुओ इमोट भी आप लोग देख पा रहे थे, तो आप लोगों को डुओ इमोट पसंद है या लास्ट वाला इमोट पसंद है कमेंट करके जरूर बता देना। उसके बाद आप लोगों को वेपन की अगर बात किया जाए, अभी जैसे देख सकते हो आप लोगों को लेजेंडरी फार्मास का स्किन देखने को मिल जाएगा। फिर उसी थीम के ऊपर आप लोगों को एक वेक्टर का स्किन देखने को मिल जाएगा जो भी आप लोग देख सकते हो। अगर एट्रीब्यूट देखना है तो आप लोग पॉज करके आराम से देख लेना, ठीक है। तो ये दो चीज होने वाला, और उसके साथ साथ आप लोग को एक ग्लोबल का स्किन देखने को मिल जाएगा जो अभी आप लोग देख पा रहे हो जो बहुत ही मस्त है। और उसके साथ साथ आप लोग और एक चीज ऐड होने वाला है, वो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा बाइक का स्किन। तो इधर ही खत्म नहीं हुआ, रुको अभी भी बहुत सारी चीज दिखाना है। तो ये सारे चीज तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा जिसका मैं अभी आप लोगों को वीडियो दिखा। तो मैं आप लोगों को बोला था ना जो चीज नहीं दिखा पाऊंगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जो अभी देख सकते हो। ये चीज अभी तक ऐड नहीं किया गया, नहीं तो मैं आप लोगों को ये सारे चीज भी दिखा देता। जैसे आप लोग जैसे देख सकते हो कुछ टोकन देखने को मिल जा रहा है, फिर आप लोगों को बैनर अब तक देखने को मिल जा रहा है, फिर आप लोगों को ब्लू लॉक का बॉक्स देखने को मिल जा रहा है, फिर आप लोगों को मतलब क्रेट बोल सकते हो, फिर आप लोगों को पांच बंडल देख पा रहे हो, ये पांच बंडल अभी तक ऐड नहीं किया गया। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक पैराशूट और उसके साथ साथ लूट बॉक्स। तो ये सारे चीज आप लोगों को बाद में मैं आप लोगों को जरूर रिव्यू कर दूंगा। स्पेशली पैराशूट और लूट बॉक्स तो मैं आप लोगों को कल शायद कल ही मैं आप लोगों को रिव्यू कर दूं, लेकिन ये बंडल थोड़ा अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोलैबोरेशन का आइटम है, इस वजह से अभी तक गेम के अंदर ऐड नहीं किया गया। क्या पता आप लोगों को अपडेट के बाद ही ऐड कर दे, और उससे पहले ऐड कर देगा तो मैं आप लोगों को बंडल रिव्यू जरूर कर दूंगा। और बंडल रिव्यू भी आप लोगों को कल परसों तक सारा कुछ मैं आप लोगों को रिव्यू करने वाला हूं, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मैं आप लोगों को बताना इस वीडियो के अंदर दो पॉइंट होने वाला। अब दूसरा जो पॉइंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग नीचे एक देख पा रहे हो ना हेल्थ के पास मेरा एक पॉइंट मतलब सेक्शन है, इधर आप लोग बस देखना मेरा पॉइंट कैसे बढ़ रहा है, किस किस चीज के ऊपर बढ़ रहा है। सबसे पहले किल किया मेरा 400 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही मेरा देखना, अब जैसे मैं एफएफ कॉइन लूट किया इधर मेरा थोड़ा पॉइंट बढ़ गया, अब मैं फिर से दोबारा किल कर रहा हूं मेरा पॉइंट बढ़ रहा है। आप लोग बस नोटिस करना कहां कहां पर भुइया जो पॉइंट है इसको भुइया पॉइंट बोलेंगे क्योंकि ये भुइया पॉइंट है। और कैसे कैसे टोकन कलेक्ट करना है, और ये टोकन कलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो, कैसे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी जैसे देख सकते हो मैं जितना किल कर रहा हूं फिर जितना एफएफ कॉइन लूट रहा हूं उधर से मुझे मतलब एक कॉइन मिली जा रहा है। अब एक कॉइन टोटल मुझे कितना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी जैसे देख सकते हो आप लोगों को एक वेपन बॉक्स देखने को मिल जा रहा है, या आप लोग स्पेशल एयरड्रॉप जो आप लोग बोल सकते हो। तो इधर आप लोगों को ये अनलॉक करने के लिए कितना आप लोग को भुइया टोकन चाहिए, 3000। अब 3000 टोकन आप लोग और भी ज्यादा टोकन कलेक्ट कर सकते हो। जैसे देख पा रहे हो ना ये लोग जो ड्रोन देख पा रहे हो, इस ड्रोन के अंदर अगर रहोगे तो आप लोगों को जो भुइया टोकन है वो अपने आप बढ़ता जाएगा। मतलब किल करने पे फिर आप लोग एफएफ कॉइन टोकन कलेक्ट करने पे आप लोगों को तो बढ़ रहा है, और आप लोग अगर ईओलो जोन के अंदर मतलब ये ड्रोन के अंदर रहोगे तो अपने आप ये भुइया टोकन बढ़ता जाएगा। और ये सारे चीजों का नाम आप लोगों को भुइया क्यू होने वाला, जैसे एयर ड्रॉप देख सकते हैं ये भी भुइया नाम से सारा कुछ आप लोगों को भुइया क्यू, कि आप लोगों को भुइया टाइम मतलब जब भुइया डे इवेंट आएगा तब आप लोगों को सारे चीज देखने को मिल जाएगा। मतलब बीआर मैच के अंदर आप लोग सारी चीज देख सकते हो, हेलीकॉप्टर भी देख पाओगे। जैसे मैं अभी अनलॉक कर दिया, अब इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, अपग्रेडेड वेपन मतलब तीन लेवल का सारा वेपन, जैसे देख सकते हो MP5 हो गया, स्कार हो गया, सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और एक बार ही आप लोग परचेस कर सकते हो, अब देखो मैं दोबारा नहीं परचेस कर सकता है ना। तो ऐसे करके आप लोगों को 3000 कॉइन इधर खत्म, और मेरे पास ऑलरेडी 4000 से ज्यादा टोकन है। अब मुझे आप लोगों को जो हेलीकॉप्टर के बारे में बात किया ना, तो हेलीकॉप्टर अनलॉक करने के लिए आप लोगों को टोटल कितना टोकन चाहिए होगा, आप लोगों को चाहिए होगा 4000 टोकन। तो ये भुइया टोकन आप लोग अगर 4000 कलेक्ट कर लेते हो फिर आप लोग ये हेलीकॉप्टर भी अनलॉक कर सकते हो, और उस बाद इसको उड़ा भी सकते हो। अब चलो मैं आप लोग उड़ा के भी दिखा देता हूँ, और इसका अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसका और भी बहुत सारे फंक्शन है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोग को उड़ा के दिखा देता हूँ फिर आप लोग समझ जाओगे। तो आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, एक हो गया आप लोगों को एंटर और एक दूसरा वाला ड्राइव, जो ड्राइव करेगा और दूसरा आपका पार्टनर मान के चलो डुओ खेल रहे हो स्क्वाड खेल रहे हो तो इंटर भी कर सकते हो, मतलब कोई बैठ भी सकता है। और बैठ के आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा, वो है क्या पता है, चलो मैं आप लोगों को लैंड करता हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोग आप सिर्फ ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इंटर पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो फिर आप लोग फायर भी कर सकते हो, मतलब जो आपका पार्टनर होगा वो फायर कर पाएगा एनिमी को। जैसे देख पा रहे ऊपर से भी फायर कर सकता है, नीचे भी फायर कर सकता है, ऐसा मतलब सीन होगा। अभी जैसे देख पा रहा हूं मैं आप लोग के एनिमी को भी डैमेज देके दिखाऊंगा, तो अभी जैसे देख सकते हो। तो आप लोगों को ऐसा लगा OB46 अपडेट के बाद बीआर के अंदर आप लोगों को ये चीज
भी ऐड होने वाला, तो इसके लिए एक्साइटेड होकर नहीं आप लोग मतलब खेल के मजा आएगा जरूर। तो आप लोग को क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। मेरा वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक कर देना है, कमेंट कर देना। आप लोग को एफएफ रिलेटेड और क्या जानना है वो जल्दी से कमेंट करो, फिर उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा वीडियो आज के लिए इतना ही, और शेयर तो जरूर कर देना। तो मेरा वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।